पंजाब दे विच जो हालात चल रहे उस नूं लै के सुखबीर बादल दा एक वड्डा बयान सामने आया ते सिखां दी आवाज़ नूं होर बुलंद करन दे लई अज कुछ सिखां नूं हौंसला दिता है ते जिस तों बाद सुखबीर बादल दे वल्लों कांग्रेस पार्टी ते भी पलटवार किया गया है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 1920 ਦੇ ਟਾਈਮ महंतों का कब्जा से गुरु घर बेअदबियां होंदियां सी उन्हों की अपनी सिख लीडरशिप कट्ठे होकर उन्हें फैसला किया कि आप कब्जा लईए नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा कौम का तो उन्होंने श्रोमणी कमेटी बना के गुरु घर का कंट्रोल संभालिया देखो उदों की फैसला अपने बजुर्गों का की सी कि कल्ले कमेटी तो कल्ले कमेटी तो आप संभाल नहीं सकांगे अपनी एक फौज चाहिए एक ढाल चाहिए है एक ऑर्गनाइजेशन अपनी कौम की एक जथेबंद चाहिए जो कोई हमला करे अगे तो वो अगे छाती टाण के टाण अगे लड़ाई लड़ सके ते उन्होंने एक महीने बाद ही श्रोमणी अकाली दल बनाए एक महीने बाद ही श्रोमणी अकाली दल बनाए एंड तुसी एक होर गल सुनो जदों दा श्रोमणी कमेटी बनी है अज 102 साल होए है हर 5 साल बाद वोटा होंदिया कितने कितने लेट भी हो जाए पर वोटा होंदिया 102 साल जिन्हें मर्जी कौम के गद्दार आए जिन्होंने वोटा अपने आप जो तोड़न की कोशिश की शहरों से पार्टिया के दूजा से आए पर खालसा पंथ ने लगातार श्रोमणी अकाली दल को उस जगह पर सेवा करने का मौका दिता अपने गुरु साहब ने अपनू मीरी पीरी का सिद्धांत क्यों दिता इसलिए दिता कि अपना वो हाल ना होए जिहड़ा मुस्लिम भाईचारे का हो रहा है क्रिश्चन भाईचारे का हो रहा है क्योंकि उन्हें कोई सियासी ताकत नहीं है उन्होंने को सियासी ताकत करके ही अपना कौम की बचा हो रहा अज जिथे भी है जिथे भी अपना सिख भैन भरा कोई भी समस्या आ जाए हुणी पिछे जे अपने सिक्किम गुरु घर की समस्या आई मणिपुर उत्थे गए तुसीं वेख गए सुखबीर साहब उत्थे भी आई सी उन्होंने किसे ऐ नहीं कीता सी केजरीवाल नूं फोन करांगे क्योंकि सरकार उन्हां दी है या बीजेपी दे प्रधान नूं करोगे ना उह कहणगे अकाली दल दे प्रधान नूं करो तो जिहड़ा मेरा कहण दा भाव है आ थोड़ी आ पार्टी नहीं है अकाली दल खालसा पंथ की सोच है थोड़ी अपनी फौज है जेड़ी कौम की फौज तकड़ी उदे तरफ कोई झाक नहीं सकता जो अमरीका तरफ कोई झाक सकता है क्योंकि फौज तकड़ी है जिन्हों की फौज है नहीं उन्होंने उत्ते ढा लेंगे अज तुम याद करो इतने दिल्ली मन लगता एक सिख दे रिक्शे वो जा रहा स्कूटर से पग लाती सी पता नहीं है तो मिनटा च उन्हों की लाता से सस्पेंड करना पाया सारे आ गए अपना सारा पंथ इकट्ठा हो गया जे आई चीज कोई को मुसलमान भाईचारा से किसे किया होता कोई होना सी अपनी एक ताकत है ए ताकत नू बड़िया ताकत हुण लगियां ताकत नू खत्म करने वास्ते हुण डायरेक्ट हमले हो गए उन्होंने पता है कौम नू कोई डरा नहीं सकता कोई कौम नू पिछे नहीं सीख सकता जे ता होगा जे श्री अकाल तख्त साहब से पार्लीमेंट अपना खालसा पंथ की पार्लीमेंट एस जी पी सी कमजोर किया जाए उन्हें अथॉरिटी कमजोर की जाए तो अकाली दल कमजोर किया जाए।